नमस्कार भक्तों, श्री दंदरहुआ सरकार 1008 यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में आज पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचन के साथ नवरात्रि किस तरह से मनाएं और नवरात्रि का क्या महत्व होता है यह सब जानेंगे इस वीडियो में। आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दंदरहुआ सरकार 1008 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मंदिर की अपडेट जी। दंदरहुआ सरकार 1008 यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भक्त लोग जुड़े हैं उन भक्तों की यह आकांक्षा है, जानना चाहते हैं कि नवरात्रि क्यों मनाते हैं, क्या महत्व है नवरात्रि का और किस तरह से नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा आराधना। दंदरहुआ सरकार की, डॉक्टर हनुमान जी महाराज की, सखी वेद के हनुमान जी महाराज की, ये बड़ा सौभाग्य है। विशेष अधिक मास ये आसन का महीना और ये अधिक मास ये पड़ा था, इसमें ये अश्विनी कुमारों का महीना था। अश्विनी कुमार जो देवताओं के वैद्य हैं, ये सभी का उपचार करते हैं। सबसे बड़ा कार्य हुए निरोगी काया है। फिर वैसे तो कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, तो निरोगी काया के लिए विशेष जरूरी है। इसमें संयम नियम आचार विचार रख करके ध्यान करते हैं तो वास्तव में देवता कृपा करते हैं, लोग निरोग होते हैं, स्वस्थ रहते हैं और सुखी रहते हैं। विशेष बात यह है अधिक मास के बाद ये नव दुर्गा प्रारंभ हो रही हैं शनिवार से। ये विशेष सूचक हैं। शनिवार जो हनुमान जी का दिन भी है और देवी जी का भी है, तो हमारे दंदरहुआ सरकार में दोनों ही हैं। ये कलयुग में दो खम्मा हैं, कलयुग के दो खम्मा हनुमान जगदम्मा, ये कलयुग के खम्म हैं। और जी दंदरहुआ हनुमान जी में दोनों ही निवास करते हैं। हनुमान जी तो हैं ही और देवी जी भी इनमें स्थापित हैं। वे शंकर जी पार्वती जैसे हैं वैसे हनुमान जी में भी। हनुमान जी ने जब कहा कि पार्वती, शंकर जी ने कहा पार्वती से कि अब तुम तीन में प्रधान नहीं थी, अब तुम जाओ, अब चौथे में हम प्रधान रहेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप प्रधान तो रहेंगे ले पीछे तुम रहेंगे। चौथी परिक्रमा में ये मोक्षदायी परिक्रमा थी, चौथी में हम आगे रहे, आप पीछे तीन में आप आगे नहीं, चौथे में हम आगे हुए। तो उन्होंने पीछे तो हम रहे, हाँ पीछे तो रही, तो अब क्या बनना चाहते हो? तो शंकर जी ने कहा मैं हनुमान बन कर के राम जी की सेवा करने चाहते हैं। तो पार्वती ने कहा हम पूंछ बन जाए। तो ये पूंछ जो है पार्वती का अवतार है और इसलिए दंदरहुआ हनुमान में दोनों ही विराजमान रहते हैं। सखी बेच के हनुमान जी हैं, यही हनुमान जी ऐसे पुष्प वाटिका में सीता जी का संबंध कराया, राम जी को मिलवाया सीता जी से। बिना राम जी हनुमान जी को मिल नहीं सकता है। सुग्रीव को मिलवाया तो हनुमान जी के द्वारा, तुलसीदास जी मिले तो हनुमान जी के द्वारा। हनुमान जी मिलवाते हैं सभी को, राम द्वारे तुम रखवारे हो तुम्हें मन पैसारे। तो इनमें दोनों ही समाहित हैं, इसलिए ये दुर्गा जो दुर्गा का जो ये कार्यक्रम होता है दुर्गा पाठ का इत्यादि का, नव दुर्गा दुर्गाओं का जो विशेष है, इसमें हमारी माताएँ बहनें कई तो लौंग खाका करके दो लोगों से ही व्रत करती हैं। कई हमारे पुरुष जो है पूरे 9 दिन तक बराबर फलाहार करके करते हैं, कुछ नराहार करते हैं, कुछ जवारे बोते हैं अपने सीना पे, ऐसे तपस्या करते हैं। कुछ देवी जी साक्षात कृपा करती हैं, उस समय इतना करना बड़ा आश्चर्य की बात है, फिर भी ये लोग कर लेते हैं देवी जी की कृपा के द्वारा। तो वास्तव में ही ये नव दुर्गा जो है हमारे सबसे पहले जो कवच है उसमें ये श्लोक आए हुए हैं, कवच अर्गल और तिलक, ये तीन प्रधान है। उसमें फिर देवी अपराध क्षमायाचना भी है, ये इसमें 13 अध्याय हैं दुर्गा सप्तती में। 11वें अध्याय में वो स्तुति भरी हुई है, 4वें अध्याय में स्तुति भरी है सब देवताओं की। वैसे तो पूरे ही देवी जी की साक्षात कृपा, ये दुर्गा सप्तती देवी जी का साक्षात स्वरूप।